सीएम योगी ने किसानों की फसली कर्ज माफी के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने प्रेस नोट जारी किया है। बैठक में सीएम ने वित्त विभाग को प्रभावी निर्देश दिए, किसानों को ऋण माफी संबंधी प्रमाण पत्र दिए जाएं। 86 लाख किसानों के बीच जाकर कर्ज माफी के प्रमाण पत्र देंगे सीएम योगी। बजट पास होने तक लाभान्वित किसानों को नोटिस देंगे। किसानों के कल्याण और खुशहाली के लिए बीजेपी संकल्पबद्ध है। फसली ऋण माफी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई है। सीएम की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक। तो अगर आपको फिर से बता दें कि किसान के लिए राहत की बात है, हालांकि पहले बजट में ही 1 लाख से नीचे जो जिनका कर्ज है उन्हें माफ के ऐलान कर दिए गए थे, लेकिन किसान इस बीच में आंदोलनरत होने लगे थे कि उन्हें माफ़ी के लिए कह तो दिया गया है लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। बैंक से लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल आज सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक के दौरान ये साफ कर दिया है कि उन सभी किसानों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे। विशाल अघुबन से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, प्रेस नोट जारी किया गया है, क्या कुछ लिखा है उसमें? देखिए, तमाम जो अधिकारियों के साथ बैठक की है उसमें उसको एक प्रश्न जारी किया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से, और इसमें साफ तौर पर कहा है कि ये जो स्थिति है उसे जल्द से जल्द किया जाए। खासतौर से उत्तर प्रदेश में इस तरह के बात को लेकर, विकास कार्यों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं। यही वजह है कि अभी भी आज NSC में उन्होंने बैठक की है और उस बैठक के बाद उन्होंने इस प्रश्न को जारी किया है। जी, जहाँ तक किसानों के आंदोलन की अगर बात कर ली जाए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में आंदोलन हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी धमकी मिल रही थी, कुछ किसान सड़क पर भी उतरे थे, क्या इसे देखकर आनंद फानंद में ये प्रेस नोट जारी किया गया है? देखिए, किसान कर्ज को लेकर भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। यही वजह है कि लगातार इस तरह की बात निकल के आई थी कि आंदोलन हो सकता है, तो उन्हीं आंदोलनों को जो बहुत ज़्यादा हवा ना मिल सके, इसलिए आनंद फानंद बैठक ली है और ये प्रेस नोट जारी किया, जानकारी दी है कि इस तरह जो चीज़ें हैं वो किसानों के लिए की जा रही हैं और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ही फिलहाल ये बैठक ली गई है। जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहा गया इस बैठक में किसानों के लिए? फिलहाल किसानों के लिए बड़ी बैठक थी, क्योंकि किसान कर्ज माफी का ऐलान तो सरकार ने करता है, लेकिन अभी सरकार कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रही है। साथ ही साथ तमाम जगहों पर किसानों के जो फसलों के जो चेक है वो बाउंस हो चुके हैं और कई लोग जो है जो लोन हैं वो नहीं, लगातार उसके दबाव पड़ रहा है, तो इस तरह की चीज़ें दिखाई पड़ रही थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल जो भारतीय किसान यूनियन ने इसके लिए बाकायदा प्रदर्शन करने की बात कही थी, तो ऐसे में सरकार ने आनंद फानंद बैठक बुलाई और बैठक के बाद इस तरह का डिसीजन लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।